गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, और हमने रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर को डिस्कस किया। उसके दो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर में हमें सबसे पहले, अगर प्रिफरेंस शेयर पार्टली पेडअप है तो हमें कॉल ड्यू करनी होती है, कॉल को रिसीव करना होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया, अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल करें तो हमें उसकी एंट्री करनी होती है, अगर हमने लोन लिया है तो उसकी एंट्री करनी होती है, अगर हमने नए शेयर इशू किए हैं तो हमें उसकी एंट्री करनी होती है। उसके बाद हम रिडम्पशन ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करते हैं, और फिर हम सबसे लास्ट में CRR में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मई 2018 के एग्जाम में आ चुका है। धीरज लिमिटेड हैड 5,010% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप। द कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इश्यू द फॉलोइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, 2,012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड। द कंपनी हैड सफिशेंट प्रॉफिट। मतलब अगर हमें CRR बनाना है तो हमारे पास पूरे सफिशेंट रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बहुत ईजी है। यहाँ पर प्रिफरेंस शेयर, हमारे जो प्रिफरेंस शेयर हमें दे रखे वो फुली पेड अप दे रखे, तो हमें सबसे पहले तो शेयर इशू करने की एंट्री करनी होगी। 40,000 इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं, उसके बाद हम डिबेंचर को इशू करने की एंट्री करेंगे, फिर रिडम्पशन का अमाउंट ड्यू करेंगे, रिडम्पशन के अमाउंट का पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, और जितना CRR हमें बनाना है हमें CRR में ट्रांसफ़र करने की उसके बाद में एंट्री करनी है। टोटल 6 एंट्रीज करनी है, केवल और केवल जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। डेट के बारे में तो यहाँ कुछ दे नहीं रखा है, तो एंट्री का सीरियल नंबर डेट लिख देते हैं, बट एंट्री यहाँ पर सीरियल नंबर से हमें करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्टी थाउजेंड शेयर्स इश्यूड एट द रेट ₹10 पर शेयर। इट इज ₹4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर को इश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 212% डिबेंचर। 12% डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर्स बीइंग 2000 डिबेंचर्स इश्यूड एट द रेट ₹100 पर डिबेंचर। एंड अमाउंट इज
2 लाख। उसके बाद रिडम्पशन का अमाउंट ड्यू करेंगे तो हम करेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो 50,000, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,50,000 बींग रिडम्पशन ड्यू एट 10% प्रीमियम। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000 बींग रिडम्पशन अमाउंट पेड, रिडम्पशन अमाउंट पेड। और उसके बाद हम यहां पर हमें सफिशिएंट प्रॉफिट दे रखा है तो मतलब हमारे पास पी एंड एल का बैलेंस है तो हम इसको पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000, प्रीमियम को हमने राइट ऑफ किया बींग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। उसके बाद हम बनाएंगे सीआरआर। हमने 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और हमने 4 लाख रुपए के नए इक्विटी शेयर इशू किए तो हमें 1 लाख रुपए सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिबेंचर इशू करना उसको हम सीआरआर की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख बींग अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख लेते हैं, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और 4 लाख के इक्विटी शेयर हमने इशू की और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। केवल जनरल एंट्रीज करनी थी, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नवंबर 20 के एग्जाम में आ चुका है, नवंबर 20 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बीके लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप and 2,009% redeemable preference share of 100 each fully paid up. Equity share है, preference share है और preference share fully paid up है. The other particulars as at 31st March 2020 are as follows. Share capital के अलावा हमारे पास कौन कौन से reserve and surplus है उसकी detail दे रखी है। हमारे पास general reserve है 1,20,000, P&L account है 60,000, investment allowance reserve, मगर लिखा हुआ है
नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब ये फ्री रिजर्व नहीं है 15,000। वैसे भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, हाँ अगर फ्री होगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। कैश एट बैंक 195, प्रिफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो कितने के प्रिफरेंस शेयर है हमारे? 2,000 प्रिफरेंस शेयर है 100 रुपये का, तो 2,00,000। 10% प्रीमियम मतलब 20,000 प्रीमियम पर हमें उसको रिडीम करना है। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर इम्पावर टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए सम ऑफ रुपीज 40,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। हमारे पास जनरल रिजर्व में 120 का बैलेंस है, 40,000 का बैलेंस रखना है, मतलब जनरल रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं 80,000, P&L 60,000 का यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो फ्री रिजर्व है वो 80,000 और 60,000 140,000 के। प्रिफरेंस शेयर 2,00,000 के हम रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पर, तो टोटल हमें 20,000 तो प्रीमियम का राइट ऑफ करना है। 2,00,000 रुपये हम प्रिफरेंस शेयर को कम कर रहे हैं तो 220 हमें टोटल रिक्वायरमेंट है। तो ये जो जनरल रिजर्व है हम 80,000 यूज़ कर सकते हैं, 60,000 यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, टोटल 140,000। 140 में से 20,000 प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे तो हम 120,000 और यूज़ कर सकते हैं। 2,00,000 के प्रिफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं, मतलब हमें 80,000 के नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे और 120,000 का हम CRR बनाने में जनरल रिजर्व और P&L का यूज़ कर सकते हैं। कंपनी ऑल्सो सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 4,500 इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड कॉस्टिंग रुपीज़ 45,000 एट रुपीज़ 9 पर शेयर। पास जनरल एंट्रीज या कंपनी फिर यहाँ पर दे रखा है आपको जनरल एंट्रीज करनी है टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपियर इन द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 ऑफ BK लिमिटेड आफ्टर द रिडम्पशन आर कैरिड आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। मगर उससे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा और कितना CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। बैलेंस इन जनरल रिजर्व। अभी हमारे पास जनरल रिजर्व में बैलेंस है 120,000। बैलेंस इन P&L, अभी हमारे पास P&L में बैलेंस है 60,000। दोनों की टोटल होती है 180,000 माइनस। हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, 4,500 शेयर है हमारे पास किसी और कंपनी के, हम उसको 9 रुपये की रेट पर सेल कर रहे हैं। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 9, 40,500 रुपये हम 40,500 रुपये में हमारे इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, जबकि वो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए थे 45,000 में। तो मतलब हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने से लॉस हो रहा है। 45,000 के इन्वेस्टमेंट हम 40,500 में सेल कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने से 4,500 रुपये का लॉस हो रहा है। ये लॉस कहाँ से कम होगा? P&L से कम होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपये का लॉस, ये P&L में से कम होगा। फिर माइनस क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड
हमें जनरल रिजर्व का 40,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। इसका मतलब है हम कितना यूज प्रीमियम को राइट ऑफ करने में और सीआरआर में कर सकते हैं। इसमें से माइनस कर देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, उसका प्रीमियम होता है 20,000। हमें 20,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करने में इसका यूज करना है, तो हम कितना सीआरआर में यूज कर सकते हैं? फ्री रिजर्व यूज फॉर सीआरआर, कितना हम सीआरआर में यूज कर सकते हैं? 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 4,500 माइनस 40,000 माइनस 20,000, हम 1,15,500 रुपीज सीआरआर में यूज कर सकते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम 2,00,000 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। लेस सीआरआर कितना बन सकता है? सीआरआर मैक्सिमम बन सकता है 1,15,500 का, तो हमें 84,500 के न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करने होंगे, कैपिटल पोर्शन। अगर नए शेयर प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं तो ये कैपिटल का अमाउंट इतना होना चाहिए, 84,500। वैसे हम नए इक्विटी शेयर पार पे ही इश्यू कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, ये तो हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई। अब हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। डेट यहां पर वैसे नहीं दे रखी है, 31 मार्च 2020 के बैलेंस दे रखे हैं, तो हम अच्छा 31 मार्च का ही सारा इफेक्ट है, तो हम इसको 31 मार्च, ये सारी एंट्रीज 31 मार्च 2020 के दिन ही हमें कर लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर इक्विटी शेयर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम इक्विटी शेयर पार पे इशू कर रहे हैं। 84,500 हमें यहां पर इक्विटी शेयर ऐसा दे रखा है, द डायरेक्टर्स आर इम्पावर टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, वैसे दे रखा है, पार पे इशू कर रहे हैं, राइट। और यहां पर इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, बींग न्यू इक्विटी शेयर 8,450 इश्यूड एट द रेट रुपीज 10 पर शेयर 31 मार्च 2020। बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री, वैसे तो सारी एंट्री एक ही डेट पे है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की फिर शेयर इशू की, या शेयर इशू की पहले कर दी, एक ही बात है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 के, 4,500 शेयर है, हमने उसको 9 रुपीज की रेट पर सेल कर दिया, मतलब हमें सेल करने से 40,500 मिले और 4,500 का हमें लॉस हो गया, बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड 31 मार्च 2020। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,00,000, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर 2,20,000 बींग रिडम्पशन ड्यू उसके बाद 31 मार्च 2020 प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,20,000 2,20,000 बींग रिडम्पशन अमाउंट पेड, रिडम्पशन अमाउंट पेड। उसके बाद में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर अकाउंट 20,000 प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ उसके बाद 31 मार्च 2020 हम CRR में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, टू पूरा नाम लिखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखो हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है, 1,20,000। 1,20,000 में से हमने 20,000 तो यूज कर लिया प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, रिमेनिंग बचा 1,00,000। 1,00,000 में से हमें 40,000 का बैलेंस रखना है, मतलब हम जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं 60,000। 60,000 जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। P&L में बैलेंस कितना है, हमारे पास P&L में बैलेंस है 60,000। 60,000 में से 4,500 रुपये हमने लॉस को राइट ऑफ किया, रिमेनिंग बचा 55,500। रिमेनिंग 55,500 हम यूज कर सकते हैं CRR बनाने में, तो टोटल CRR बनेगा 1,15,500। 1,15,500 का CRR बना और 84,500 के हमने नए शेयर इशू किए, दोनों की टोटल 2,00,000 रुपये बींग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है, ये कहता है कि आप रिलेवेंट आइटम बैलेंस शीट में कैसे अपेयर होंगे वो बताना है। तो हमें बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम की डिटेल दे रखी है, देखो हमें शेयर कैपिटल के बारे में दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में दे रखा है और हमें कैश एट बैंक के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें केवल 3 इन्फॉर्मेशन को बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है और कंपनी का नाम है BK लिमिटेड, BK लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर अमाउंट, सबसे पहले
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, नोट्स नंबर वन, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स नंबर टू। फिर हमें इसमें दिखाना है एसेट्स को, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, नोट्स नंबर थ्री। सबसे पहले यहां लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंट अमाउंट, उसका नोट्स का नंबर और इसकी डिटेल। वन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अभी हमारे पास ऑलरेडी 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज पर शेयर, और हम 8,450 शेयर और इशू कर रहे हैं, तो टोटल हमारे शेयर्स हो जाएंगे 38,450 हमारे टोटल शेयर्स हो जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 38,450 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, 3,84,500, और प्रिफरेंस शेयर हम ऑलरेडी रिडीम कर चुके हैं। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में हमारे पास बैलेंस दे रखा है 1,20,000, इसमें से हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूज किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिटर्न ऑफ 20,000, इसमें से हमने CRR में यूज किया 60,000 एंड बैलेंस इज 40,000। उसके बाद CRR, उसमें हमने ट्रांसफर किए 1,15,500, करेक्ट, P&L का तो बैलेंस नहीं बचा, और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक रिजर्व दे रखा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये तो यूज ही नहीं हुआ तो हम इसको लिख लेते हैं 15,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 15,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इट इज 15,000, और कर लेते हैं इसकी टोटल 40,000 प्लस 1,15,500 प्लस 15,000, 1,70,500। उसके बाद में नोट्स नंबर थ्री, कैश एट बैंक, बैलेंस, हमें बैलेंस दे रखा है कैश एट बैंक का 195,
लेस, यहां पहले प्लस कर देते हैं, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, उससे हमारे पास 84,500 रुपीस हमें मिले, प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने से हमें 40,500 मिले, और माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर को हमने रिडीम किया, 2,20,000 का पेमेंट किया, 195 प्लस 84,500 प्लस 40,500 माइनस 2,20,000, बैलेंस 1,00,000, और ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स भी यहाँ कंप्लीट हो गए। तो हम 1,00,000 का बैलेंस लिखते हैं कैश एट बैंक में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शेयर कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं 384,500, और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस लिखते हैं 1,70,500, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। द बैलेंस शीट ऑफ प्रोड्यूसर लिमिटेड एज एट 31st December 2001 इज एज फॉलोज। शेयर होल्डर फंड, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर 500 शेयर 100 ईच, इक्विटी शेयर 9,000 एट द रेट रुपीज 10 ईच 90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व पी एंड एल, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में स्टॉक डेटर बैंक। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रिफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। प्रिफरेंस शेयर 50,000 के हैं, 5% प्रीमियम होता है 2,500 रुपीज, हमें उस पर इसको रिडीम करना है ऑन 1st January 2002, और ये बैलेंस शीट हमें 31st December 2001 की दे रखी है, मतलब नेक्स्ट डे हम प्रिफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। ए फ्रेश इश्यू ऑफ 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर 12 रुपये की रेट पर इशू कर रहे हैं, तो कैपिटल कितनी आएगी 10,000, प्रीमियम कितना आएगा 2,000, पेबल इन फुल ऑन 1st January 2002। 50,000 के प्रिफरेंस शेयर हम इशू कर रिडीम कर रहे हैं, 10,000 रुपीज की इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो हमें 40,000 का CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दीज वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वर ड्यूली कलेक्टेड, ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 27,000 में, और इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने 28,000, तो 1,000 का हमें लॉस हो गया। डायरेक्टर विज दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन शुड बी मेड इन द रेवेन्यू रिजर्व, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कैश टू रिकॉर्ड द अबाउट, ओनली जनरल एंट्रीज करनी है हमें। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ, आप इसको खुद कर सकते हो। एक एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंट्री जो होगी, और सारी एंट्री एक ही दिन है 1st January 2002 को। 1,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और हम उसको 2 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 12,000, 10,000 लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 2,000 लिखेंगे प्रीमियम में, ये आप फर्स्ट एंट्री करोगे। सेकंड एंट्री फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 में सेल किए, 1,000 का लॉस हो गया, तो पी एंड एल अकाउंट में 1,000 टू इन्वेस्टमेंट, और ये अमाउंट होगा 28,000, राइट। फिर थर्ड एंट्री, अब यहाँ पर हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करेंगे, फुली पेड है प्रिफरेंस शेयर, तो हम एंट्री करेंगे, प्रिफरेंस शेयर के परसेंटेज नहीं दे रखे हैं, तो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इट इज 50,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,500 टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर 52,500 पेमेंट करेंगे, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये होगा 52,500, ओके। उसके बाद में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हमारे पास जनरल रिजर्व है 20,000 का, तो 2,500 रुपये हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,500 का हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करेंगे, और उसके बाद में हम बनाएंगे CRR।
50,000 के शेयर रिडीम करें, 10,000 के नए शेयर इशू करें, तो हमें 40,000 का बनाना पड़ेगा यहाँ पर सीआरआर। जनरल लेजर में से बनेगा, कहाँ से बनेगा, जनरल लेजर को यूज़ करेंगे और फिर पीएनएल में से यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हम नहीं कर सकते, तो जनरल लेजर 20,000 का सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं और बाकी का 20,000 हम पीएनएल से यूज़ करेंगे और यहाँ आ जाएगा 2 CRR 40,000 और ये हमारा सोल्यूशन एंड हो जाएगा। करेक्ट, आप आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 31st March 2001 द बैलेंस शीट ऑफ उतोपिया लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज। शेयरहोल्डर फंड, अभी हमारे पास इक्विटी शेयर है 1 lakh shares 10 rupees ईच, हमारे पास प्रिफरेंस शेयर है 4,500 100 ईच 450, कैपिटल रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी फ्री रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व हमारे पास है, पीएनएल हमारे पास है, फिर क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट करंट स्टॉक डेटर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, 1st April 2001 इन ऑर्डर टू रिडीम ऑल इट्स प्रिफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% द कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमने क्या किया, 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपये का एक शेयर 10% प्रीमियम पर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20,000 शेयर 10 रुपये का एक शेयर, ये हो गए 2 लाख रुपये, 20,000 उस पर प्रीमियम और ये हो जाएगा 2,20,000। उसके बाद में सेकेंड एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की, हमने सारे इन्वेस्टमेंट 158 में बेच दिए, 145 के थे 158 में बेच दिए, तो मतलब प्रॉफिट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,58,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 145 और यहाँ आएगा टू पीएनएल, हमें प्रॉफिट हो गया 13,000 रुपीज़ का, 13,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में रिडम्पशन हम करें, प्रिफरेंस द कंपनी इशूड 1 fully paid इक्विटी से 10 ईच एज बोनस। अच्छा, रिडम्पशन करने के बाद में कंपनी ने बोनस दिया फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब 4 शेयर के ऊपर 1 शेयर का बोनस दिया, पास नेसेसरी, तो सबसे पहले तो रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हमारी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 4,50,000 रुपीज़, हम इसको 5% प्रीमियम पे, 450 का 5% होता है 22,500, ये प्रीमियम और टोटल होता है 472,500। अब हम 472,500 का पेमेंट करेंगे, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,72,500 उसके बाद फिफ्थ एंट्री हम करेंगे प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, कहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे 22,500 जनरल रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे। अब हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, हमने कितने प्रिफरेंस शेयर 4,50,000 के प्रिफरेंस शेयर रिडीम किए और बदले में 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, तो 2,50,000 रुपये 2,50,000 रुपीज़ का हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, बहुत सारा जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व में से यूज़ कर लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2,50,000 का हम सीआरआर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बोनस देंगे, बोनस की ऑलरेडी हम एंट्रीज, बोनस का चैप्टर ही हम पढ़ चुके हैं, बोनस में क्या होता है, यहाँ दे रखा है 1 शेयर। अच्छा, बोनस दे रहे हैं रिडम्पशन करने के बाद, तो हम ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हैं, कितने शेयर इशू किए हमने, और 2 लाख, और एक शेयर यहाँ पर 10 रुपये का, मतलब हमने 20,000 नए शेयर इशू किए, पहले से कितने शेयर्स हैं 1 लाख, तो 1 लाख शेयर्स पहले से, 20,000 हम और इशू कर रहे हैं, तो हमारे टोटल शेयर्स हो जाएंगे 1,20,000। बोनस हम इशू कर रहे हैं 4 शेयर पर 1 शेयर, 1:4 का रेशियो, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 / 4 30,000 हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, 1 शेयर 10 रुपये का, मतलब 3 लाख रुपये का बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3 lakh rupees टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakh, और फिर इस बोनस को हम क्या करेंगे, हम इस बोनस को चार्ज करेंगे, सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, सीआरआर का यूज़ करते हैं, हमने जस्ट
इससे पहले एंट्री में सीआरआर बनाया, कितना सीआरआर बनाया, 2.5 लाख का। तो सबसे पहले तो आप सीआरआर का यूज कर ही लो। क्या बैलेंस शीट में पहले से सीआरआर है? बैलेंस शीट में पहले से कोई भी सीआरआर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीआरआर का यूज करेंगे। हम 3 लाख में सबसे पहले हम 2.5 लाख रुपए का जो सीआरआर है उसका यूज करेंगे। उसके बाद में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमें कैश में रियलाइज हुआ है, अभी हमने नए शेयर इशू किए, नए शेयर इशू किए, तो कैश में तो इशू किए फर्स्ट एंट्री, उसमें हमें 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है, और ये बैलेंस शीट में भी सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 20,000 का। तो हम तो एज्यूम करेंगे कि ये भी हमें कैश में मिला होगा। जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में मिलता है हम उसका यूज़ बोनस शेयर में कर सकते हैं। तो 20,000 तो अभी नए शेयर इशू किया उस पर प्रीमियम आया, 20,000 का प्रीमियम ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखा है, तो 40,000 का हम प्रीमियम यूज़ करेंगे। अब हमें 10,000 और यूज़ करना है, तो हम जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, वैसे कैपिटल रिजर्व का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व के बारे में वैसा दे नहीं रखा है कि ये कैश में रियलाइज है या क्या दे रखा है, तो हम चांस नहीं लेते हैं, हम जनरल रिजर्व में से यूज़ कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में से कितना, 10,000। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में भी नहीं दे रखा है, बट जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में हमारी एजम्पशन रहती है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम ये मानते हैं कि वो कैश में रियलाइज हुआ होगा, और ये एजम्पशन हम यहाँ पर लिखेंगे भी सबसे लास्ट में, एजम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन इन बैलेंस शीट, वी एज्यूम दैट इट रियलाइज इन कैश। और ये हमारा बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा 3 लाख। और उसके बाद में हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट बनाओगे, हम तो हमारे जो हमने फॉर्मेट सीखा है उस हिसाब से मैं आपको अमाउंट के बैलेंस बता देता हूँ, फिर आपको बैलेंस शीट जो फॉर्मेट हमने सीखा है उस फॉर्मेट में हमें बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बना के और पूरी बैलेंस शीट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि कौन कौन सा अमाउंट कितना आएगा। इक्विटी शेयर अभी कितने हैं, 10 लाख के। ये 10 लाख के इक्विटी शेयर, 10 लाख, फिर हमने 2 लाख के नए शेयर इशू किए हो गए 12 लाख, और 3 लाख का बोनस इशू किया, तो ये इक्विटी शेयर हो जाएंगे 15 लाख रुपए के, ठीक है। प्रिफ्रेंस शेयर हमारे जीरो हो जाएंगे, निल, प्रिफ्रेंस शेयर जीरो। कैपिटल रिजर्व का हमने यूज़ नहीं किया, तो 12,500 का कैपिटल रिजर्व, वो जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, उसमें कैपिटल रिजर्व 12,500। सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा कैसे, ये 20,000 दे रखा है, 20,000 का और मिला 40, और 40,000 का हमने बोनस में यूज़ कर लिया, तो जीरो, ये भी निल हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, ये जो जनरल रिजर्व है 8,30,500, हमने इसमें से कितना यूज़ कर लिया, हमने इसमें से 22,500 का यूज़ किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में, 2,50,000 का यूज़ किया हमने सीआरआर में, बस इतने यूज़ हुआ, तो 5,58,000 का बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व में, 5,58,000 का बैलेंस बचेगा। पीएनएल का तो हमने कुछ यूज़, अच्छा पीएनएल में लॉस प्रॉफिट हुआ था शायद, प्रॉफिट हुआ था जब हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, तो 13,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 3,87,000 प्लस 13,000 का प्रॉफिट, तो ये बैलेंस हो जाएगा 4 लाख रुपए का। अच्छा, क्रेडिटर में कोई चेंज है नहीं, 250, प्रोविजन फॉर टैक्स में कोई चेंज है नहीं, ये क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से हेडिंग में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ का जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नॉन करंट एसेट्स, ये सारी नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आएगी, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गए, हमने सेल कर दिए, इसमें कोई चेंज नहीं 5 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं 10 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं 3,90,000, और ये नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में तीनों लिखकर टोटल यहाँ पर हमें लिखनी है एक साथ, वो आपको बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ा उसमें आपको पता है, इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, निल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टॉक में कोई चेंज नहीं 9,10,200, डेटर्स में कोई चेंज नहीं 142,800, कैश एट बैंक में चेंज है, अच्छा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं 1,000, कैश एट बैंक में चेंज है, अभी कितना बैलेंस दे रखा है, अभी हमें बैलेंस दे रखा है 1,11,000, इसमें प्लस करेंगे 2,20,000 के हमने नए शेयर इशू किए, फिर 158 में हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उसके बाद हमने प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर को 472,500 का पेमेंट किया, 472,500 का पेमेंट किया, उसके बाद कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,11,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,58,000 माइनस 472,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस आएगा
16,500 रुपये केवल, और फिर हम करेंगे बैलेंस शीट की टोटल, क्योंकि इसके अलावा कोई और इफेक्ट यहाँ पर है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सबके इफेक्ट दे दिए। बिल्कुल हमने सबके इफेक्ट दे दिए। तो अब हम बैलेंस शीट की टोटल करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 15 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, 12,500 का कैपिटल रिजर्व, 558 जनरल रिजर्व, 4 लाख P&L, 250 क्रेडिटर्स, 250 प्रोविजन फॉर टैक्स। इट इज़ 29,70,500। ये टोटल आएगी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। फिर 5 लाख, 10 लाख, 3,90,000, 9,10,200, 142,800, 16,500 एंड उसके बाद ये टोटल आती है 29,60,500। ये मिल नहीं रही है क्योंकि हमने गलती कर दी। ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये 558 की जगह 548 आएगा। हमने 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व बोनस में भी यूज़ किया था, हमने उसको लेस नहीं किया, तो ये 548 आएगा। ये 548 तो इसकी टोटल हो जाएगी 29,60,500। ओके, तो ये बैलेंस शीट की टोटल आएगी 29,60,500। और आप लोग फॉर्मेट से जब करोगे तो आपका बैलेंस शीट की टोटल आएगी 29,60,500। और सारी एंट्रीज तो मैंने आपको बताई दी है कि आपको कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अभिप्रिया लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। प्रिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश। द प्रिफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2002 एट 10% प्रीमियम। ठीक है, इसी दिन को करना है। 5,000 प्रिफरेंस शेयर है, 100 रुपीज का एक 5 लाख, इसको 10% प्रीमियम पे हमें रिडीम करना है। 1 जनवरी को ए फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर। कितने के इक्विटी शेयर इशू करेंगे ये दिया हुआ नहीं है, मतलब कैलकुलेट करना है हमें। द शॉर्टफॉल इन कैश रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन आफ्टर यूटिलाइजिंग द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू वॉज मेड बाय रेजिंग ए बैंक लोन। जितनी जरूरत पड़ेगी उससे कम, उतने कम बैंक लोन ले लेंगे। कैश बैलेंस 50,000 बींग द मिनिमम द कंपनी रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन। हमें कैश में 50,000 का बैलेंस रखना है, मतलब ये जो कैश हमारे पास अभी पड़ा है ये तो हमें बैलेंस में रखना ही है। तो हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, मतलब हमें दो चीज़ें नहीं पता, इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर कितने के इशू करने हैं और हमें बैंक लोन कितने का लेना है, दोनों के बारे में हमें डिटेल पता नहीं है। तो इसका मतलब हम पहले ये पता करेंगे कि हम CRR कितना बना सकते हैं। 5 लाख रुपए के शेयर 10% प्रीमियम पर करें तो हमें टोटल 550 की रिक्वायरमेंट होगी। 5 लाख के शेयर कम होंगे और 50,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब हमारे पास है क्या क्या, फ्री क्या क्या है। 2 लाख रुपए के तो हमारे पास जनरल रिजर्व है, 1 लाख रुपए का हमारे पास P&L है, कैपिटल रिजर्व का यूज़ हो नहीं सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हो नहीं सकता। तो हमें टोटल 5,50,000 की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 2 लाख रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं, 1 लाख रुपए हम P&L को यूज़ कर सकते हैं, फिर भी हमें 2,50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, मतलब हम 2,50,000 के नए शेयर्स इशू करेंगे, 2,50,000 के नए शेयर इशू करेंगे। ठीक है, अच्छा हमें टोटल 5.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख प्लस 50,000, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हम बेच नहीं रहे, और जो कैश बैलेंस हमारे पास है वो पूरा का पूरा हमें बैलेंस रखना है। इट मीन्स 5.5 लाख रुपए देने, नए शेयर इशू करेंगे वो भी पार पे इशू कर रहे हैं, तो हमें 2,50,000 नए शेयर को इशू करने से मिलेंगे, तो हमें 3 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा। राइट, जनरल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड दी शेयर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग बनाओगे, मैं हम जनरल एंट्रीज यहाँ कर लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज होगा वो मैं सब आपको बता दूंगा, मगर पूरे फॉर्मेट से, नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट आपको, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज, मगर उससे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर
कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, 5 लाख के हम प्रिफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 का हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देंगे, दोनों की टोटल 550 लेस फ्री रिजर्व अवेलेबल। अच्छा, फ्री रिजर्व का मिनिमम कितना बैलेंस रखना है ये दिया हुआ नहीं है, मतलब हम फ्री रिजर्व पूरा यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व हमें कितना अवेलेबल है, 2 + 1 टोटल 3 लाख का अवेलेबल है, तो मतलब 3 लाख रुपए का CRR प्लस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में काम ले सकते हैं, तो हमें 2,50,000 के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, लोन अमाउंट। जो हमारे पास बैलेंस अभी है बैलेंस शीट में उतना तो हमें रखना ही है, मतलब उसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो टोटल अमाउंट कितना चाहिए हमें, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, हमें रिडम्पशन करने के लिए टोटल 5,50,000 की जरूरत है, लेस न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 के नए शेयर इशू करेंगे, तो हमें 3 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी, और ये होगा लोन का अमाउंट, हम 3 लाख रुपए का लोन देंगे। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। डेट पर्टिकुलर, सारी एंट्रीज एक ही डेट को है, डेबिट क्रेडिट 1 जनवरी को सारी एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी 2002, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का हमने लोन लिया। आई थिंक आप नरेशन लिख सकते हो, इसीलिए मैं अब सीधी एंट्रीज लिख रहा हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 3 लाख रुपीज 1 जनवरी 2002, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट 1 जनवरी 2002, 12% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 12% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर 5,50,000, टोटल 5,50,000, 1 जनवरी 2002, प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000 हम उनको पेमेंट करेंगे,
प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे 1 जनवरी 2002। जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, टोटल 50,000 का प्रीमियम हम राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे CRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। CRR कितना बनेगा? 2,50,000 का। कहाँ से बनेगा? 2,00,000 का जनरल रिजर्व था, उसमें से 50,000 का तो हमने यूज़ कर लिया, तो 1,50,000 जनरल रिजर्व में से और 1,00,000 रुपीज़ P&L, और इसके अलावा कोई एंट्रीज है नहीं। तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज होगा, है ना, बैलेंस शीट मिला भी देते हैं, फिर आप पूरे फॉर्मेट से बैलेंस शीट आप लोग बना देना, ठीक है। देखो अब बैलेंस शीट का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। प्रिफरेंस शेयर ये तो निल हो जाएगा, 0। इक्विटी शेयर 10 प्लस 250, ये हो जाएंगे 12,50,000। कैपिटल रिजर्व सेम टू सेम 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 1,00,000, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CRR। कितने का CRR आएगा? यहाँ पर CRR होगा 2,50,000 का, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स रहेंगे 10,00,000 रुपए का, और यहाँ पर एक और आ जाएगा लोन, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में लोन आ जाएगा। हम कितने का लोन ले रहे हैं? हम 3,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं। तो यहाँ की टोटल 12,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 250 प्लस 10,00,000 प्लस 3,00,000, टोटल 30,00,000 जब आप फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाओगे। इधर ये 24,00,000 ही आएंगे, स्टॉक 5,00,000, डेटर में कोई चेंज नहीं, और कैश बैलेंस हमारा 50,000 रहेगा, और कोई एसेट्स कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 30,00,000। बैलेंस शीट की टोटल कितनी आएगी? बैलेंस शीट की टोटल आएगी 30,00,000। ओके, तो ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस शीट बनाने के लिए आप जगह खाली छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड एंड 1,008% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुली पेड। इक्विटी शेयर है और प्रिफरेंस शेयर है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व में जनरल रिजर्व 80,000, P&L 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जिस आउट ऑफ विच ₹5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 10,000 में से 5,000 फ्री नहीं है। ये कह रहा है 5,000 फ्री नहीं है, मतलब 5,000 फ्री है, तो हम इसमें से 5,000 का यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का 5,000 का हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इसका तो यूज हो नहीं सकता। बैंक बैलेंस 98, प्रिफरेंस शेयर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर इम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ए सम ऑफ ₹20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज, मतलब 20,000 रुपये जनरल रिजर्व में बैलेंस रखना है, बाकी का जनरल रिजर्व आप काम में ले सकते हो। जनरल एंट्रीज, तो हमें कितने के इक्विटी शेयर इशू करने, जनरल एंट्रीज करने हैं और रिलेवेंट आइटम को बैलेंस शीट में शो करना। आई थिंक ऐसा हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। देखो अब क्या क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो नए शेयर कितने के इशू करने ये पता करना है। अभी हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है 80,000, P&L का बैलेंस है 20,000 और 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जनरल रिजर्व 80,000 है, इसमें से हमें 20,000 का बैलेंस रखना है, तो जनरल रिजर्व मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है? केवल 60,000 जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, 60,000 जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, P&L 20,000 यूज हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी 5,000 यूज हो सकता है क्योंकि वो फ्री है। तो हम टोटल 85,000 काम में ले सकते हैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने में और CRR बनाने में। अब प्रीमियम कितना, पहले प्रीमियम देखते हैं। हमारे इक्विटी शेयर एक प्रिफरेंस शेयर 1,100 रुपये का, मतलब 1,00,000, और 1,00,000 को हमें रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर, तो 10,000 तो हम प्रीमियम को राइट ऑफ करने में काम लेंगे, पीछे बचा 75,000, मतलब हम 75,000 CRR में काम ले सकते हैं। अब टोटल 1,00,000 रुपये के इक्विटी शेयर
प्रिफरेंस शेयर को हम रिडीम कर रहे हैं, 75,000 का CRR बन सकता है, मतलब हमें 25,000 रुपये के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो पार पे इशू हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज़ 25,000। मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके बाद में कोई लोन नहीं है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई एंट्री यहाँ पर है ही नहीं। चलिए फिर हम एंट्री करेंगे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये डेबिट, ये डेबिट, ये 1 लाख से डेबिट, ये 10,000 से डेबिट, और ये टोटल 1,10,000 से क्रेडिट। उसके बाद में हम पेमेंट करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगा 1,10,000 रुपीज़। 1,10,000 का हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 10,000, हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे 10,000 को। और उसके बाद हम CRR बनाएंगे, पहले जनरल लेजर को यूज़ कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में P&L को यूज़ करेंगे, और यहाँ बनेगा 2 CRR। CRR कितना बना है, 75,000। जनरल लेजर में बैलेंस कितना है, 80 में से हमने 10,000 तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के काम दिया, पीछे बचा 70 में से 20 बैलेंस रखना है, तो 50,000 हम जनरल रिजर्व का यूज़ CRR के लिए कर सकते हैं, पीछे बैलेंस बच जाएगा 20,000। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 का यूज़ कर सकते हैं, और P&L में जितना भी है वो पूरा का पूरा हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारी लास्ट एंट्री। अब ये कह रहा है रिलेवेंट आइटम को आप बैलेंस शीट में शो करो, तो क्या करोगे, केवल हमें शो क्या करना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कैश एट बैंक। हमने एक क्वेश्चन में ऐसा किया भी है, केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, शेयर कैपिटल दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाएंगे, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में क्या हो जाएगा, कैश एट बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है 98,000 प्लस 25,000 के शेयर इशू हो रहे हैं, और माइनस से हम पेमेंट कर रहे हैं 1,10,000 का, तो हमारा कैश बैलेंस बचेगा 13,000 रुपीज़। ओके, और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ पी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2002, प्रिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L करंट। अच्छा, केवल P&L है 280 का, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज हो नहीं सकता, क्रेडिटर्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और बैंक। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू प्रिफरेंस शेयर दीज आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो कितने, 4 लाख, 4 लाख प्लस 5%, मतलब 20,000 का प्रीमियम देना है, तो टोटल 4,20,000 हमें पेमेंट करना है। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज दिस एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, सब्जेक्ट टू लिविंग ऑफ बैलेंस 50,000 इन क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट। हमें 50,000 रुपये P&L में बैलेंस छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज ए बैलेंस अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ, ये 50,000 की जगह यहाँ पर 30,000 है, इट इज, ये करेक्शन करना आप, बैलेंस रखना है P&L में 30,000 का। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज द बैलेंस अमाउंट बाई इशू ऑफ 17,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं वो भी दिया हुआ है, एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5, यू आर रिक्वायर्ड टू पास, केवल जनरल एंट्रीज कर दिए। ये तो बहुत ईजी हो गया। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल की इशू की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1,70,000 हम लिखेंगे कैपिटल में, फिर 17,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 42,500 लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 2,12,500 हम लिखेंगे बैंक अकाउंट में। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। उसके बाद में हम करेंगे सेकंड एंट्री। अच्छा, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहे और कुछ कहीं से कुछ नहीं आ रहा, तो हम सीधा प्रिफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ के प्रिफरेंस शेयर है, 20,000 उस पर हमें प्रीमियम देना है, और टोटल 4,20,000 का हमें पेमेंट करना है। फिर हम एंट्री करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगा 4,20,000, 4,20,000 का पेमेंट करेंगे। उसके बाद में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, कहाँ से राइट ऑफ होगा, P&L से, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और ये एंट्री होगी 20,000 रुपीज़ से। और लास्ट एंट्री करेंगे CRR बनाने की, P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। तो यहाँ पे
फोर लैख में से हमने 170, तो हम 2,30,000 रुपीज CRR में ट्रांसफर करेंगे, 230। तो देखो हमारे पास P&L है कितना, P&L हमारे पास है 280 का। 280 में से हम सबसे पहले तो 20,000 रुपये यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। रिमेनिंग बचेगा 260 में से 230 अगर हम यूज़ करते हैं तो बैलेंस बचेगा 30,000, ये 30,000 का बैलेंस बचना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। केवल इसमें जनरल एंट्रीज करनी है, इक्विटी शेयर इशू, इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं वो भी दिया हुआ है, प्रिफ्रेंस शेयर को रिडीम करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे और CRR बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रिफ्रेंस शेयर, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।